दोस्तों बड़ी खबर बॉलीवुड से जुड़ी आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 8 के विनर रहे गौतम गुलाटी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। हाल ही में वह सलमान खान की फिल्म राधे में भी नजर आए थे। फिल्म में गौतम ने गिरगिट का किरदार निभाया है, जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला भी है। वैसे आपको बता दें कि गौतम को बिग बॉस में आने के बाद काफी जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी, उनकी फैन फॉलोइंग में भी काफी बढ़ोतरी हुई थी। वहीं लास्ट सीजन यानी कि बिग बॉस 14 में गौतम को भी हिना खान, गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला की तरह बतौर तूफानी सीनियर्स घर में एंटर करने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। अब गौतम ने खुद इसकी वजह बताई है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में गौतम ने कहा है कि वह घर के अंदर नहीं जाएंगे, हाँ बतौर गेस्ट वह शो में जा सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस शो का हिस्सा रहा हूँ और लोगों को अभी भी मेरा वाला सीजन याद है। अब मैं फिर शो में नहीं जाऊंगा, मैं तब जाऊंगा जब कोई टास्क या थीम आती है, 5-6 दिनों के लिए या फिर हफ्ते के लिए। इसके आगे गौतम कहते हैं कि वह शो में जाने के जो रूल्स होते हैं उन्हें नहीं फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि फिर इससे उनका बाकी के प्रोजेक्ट्स मिस हो जाएंगे। पिछले साल उन्होंने मुझे 2 हफ्ते के लिए घर में रहने के लिए बुलाया था, लेकिन कोविड की वजह से 14 दिनों तक घर में क्वारंटाइन होना होता और फिर शो में जाने के बाद फिर क्वारंटाइन होना पड़ता। मेरे पास इतना समय नहीं था क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था और जिन प्रोजेक्ट पर मैं पहले से काम कर रहा था उन्हें मैं मिस नहीं कर सकता था। इसके अलावा आपको बता दे कि गिरगिट की भूमिका उनके पास कैसे आई, इस बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं होता यदि सलमान सर नहीं होते। हम एक दिन अचानक मिले और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उस समय उन्होंने विचार किया कि हमें साथ में काम करना चाहिए। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम एक निगेटिव किरदार निभाने के लिए इच्छुक हो, तो यह सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने उन्हें बताया कि मेरे सभी फेवरेट नायक भी निगेटिव कैरेक्टर वाले ही हैं, और अगले ही दिन उनकी टीम ने मुझे बुलाया और इस किरदार के लिए मुझे चुन लिया। मेरे कपड़े, लुक, ट्रेनिंग सब कुछ जल्द से जल्द शुरू हुआ और हेयर स्टाइल को बदलने के बाद ही शूटिंग शुरू कर दी गई। यह बेहद आश्चर्यजनक है जब एक टॉप मेगा स्टार आपकी सहायता के लिए सामने आता है और आप पर विश्वास करता है। वहीं गौतम ने आगे कहा है कि कुछ सीन्स को देखने के बाद मेरा किरदार बढ़ा दिया गया। मैं शूटिंग खत्म करने के बाद घर आ गया था और 10 दिनों बाद मुझे फिर से और शूट करने के लिए बुला लिया गया, क्योंकि सर को लगा कि मैं इसे और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ और आज यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं सर का आभारी हूँ। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट जरूर करें।